हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसी है अपनी स्टोलर फैमिली? तो मैं एकदम झकास हूँ और आज मैं फिर से आ चुका हूँ मोइन ऑटोमोबाइल्स पर। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि बाइकों के फाइनेंस के बारे में एक वीडियो बनाओ कि कितने में फाइनेंस होती है और जिसका सिविल स्कोर थोड़ा ख़राब हो उनको फाइनेंस हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉप पर आ गया हूँ और ये भी बताऊँगा कि बाइक कैश भी ले सकते हो, फाइनेंस पर भी ले सकते हो और पेटीएम जो भी करना हो वो सब कुछ अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं बाइकें दिखा देता हूँ आज यहाँ कौन कौन सी अवेलेबल है। तो एक खड़ी है 200 cc ड्यूक और यहाँ पर अपाचे भी अवेलेबल हो जाएगी आपको, और आगे बेनेली 300 भी खड़ी हुई है। यहाँ पर बुलेट्स भी अवेलेबल्स है, ये देखो इलेक्ट्रा खड़ी हुई है, आगे क्लासिक भी खड़ी हुई है। और एक और बाइक मैं सबसे मस्त जो दिखाता हूँ वो है ये बेनेली 600i। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहले इन बाइकों के प्राइस के बारे में कि ये कितने में पड़ेंगी आप सबको। कुछ ही बाइकों के बारे में बताऊंगा आज मैं कि ये वाली बाइक इतने में पड़ेगी और ये वाली इतने में। तो दोस्तों ये है बेनेली 600i और ये है आपका 2018 का मॉडल और इसकी जो डिमांड है वो है 4,65,000 की और प्राइस एकदम नेगोशिएबल है इस बाइक पर भी और बाकी जितनी भी बाइकें खड़ी हैं इन सब पर नेगोशिएबल है प्राइस। और मैं इसका दिखा देता हूँ, ये देखो मीटर में कोई छेड़छाड़ी नहीं की हुई है और इसमें 16,870 किलोमीटर ये चली हुई है। तो प्राइस है इसके 4,65,000, ये देखो। और आपको इसमें क्रैश गार्ड्स लगे हुए भी मिल जाएंगे और दोस्तों इसमें जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं वो है AR ऑस्टिन रेसिंग के एग्जॉस्ट इसमें लगे हुए मिलेंगे आपको। और बाकी इस बाइक की कंडीशन आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी है, कोई भी एक भी स्क्रैच नहीं है इस बाइक पर, नॉर्मली है हल्का सा बस, यहाँ पर एक स्क्रैच है और कहीं भी आपको कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा। और दोस्तों मॉडल है इस बाइक का 2018 मॉडल, 16,800। तो मैं दिखाता हूँ आपको बेनेली 300। तो दोस्तों ये है बेनेली 300, इसमें भी आपको क्रैश गार्ड्स लगे हुए मिल जाएंगे और इसमें जो एग्जॉस्ट हैं वो लगे हुए हैं एससी प्रोजेक्ट के, ये देख लो एससी प्रोजेक्ट के जेन्युइन एग्जॉस्ट इसमें लगे हुए मिल जाएंगे आपको क्रैश गार्ड्स के साथ। तो इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है दिखने में, तो ये कुछ भी निशान नहीं है, हट जाएंगे ये बस ऐसे ही नॉर्मल है और बाकी इस पर भी स्क्रैच नहीं है बाइक पर, एक भी स्क्रैच नहीं है इस बाइक पर भी। और ये चलने की बात करी जाए तो ये चली हुई है, तो दोस्तों ये बाइक चली हुई है आपकी 12,037 किलोमीटर टोटल बस। और इस बाइक की प्राइस की बात करें तो हम ये पड़ेगी आपको 2,25,000 में और इस पर भी प्राइस एकदम नेगोशिएबल है। और दूसरा इसका मॉडल बताऊँ तो मैं आप सबको वो है 2018 मॉडल बेनेली 300 और बेनेली 600 दोनों के मॉडल इनके 2018 के मिलने वाले हैं आपको और प्राइस एकदम नेगोशिएबल है। आप यहाँ पर आओगे तो आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा अच्छा खासा। तो दोस्तों मुझे पता है आप सब किस चीज़ का वेट कर रहे होंगे, वो ये है इन बेनेली के साउंड के बारे में। इन दोनों बाइकों का साउंड मैं सुना देता हूँ, बेनेली 600 का भी और 300 का भी। तो सीधा साउंड सुनते हैं अब। दोस्तों ये थी 300 cc के बाइक के साउंड, अब मैं सुनाने वाला हूँ 600 cc के साउंड। तो 600 के तो आपको पता ही है कितने लाजवाब साउंड होते हैं, तो अब 600 के सुनते हैं साउंड।
दोस्तों कैसे लगे आप सबको इन बाइकों के साउंड? तो मेरे को तो एकदम अलग ही लगते हैं इनके साउंड बेनेली के, क्योंकि इतने कम रेट में और इतने कम सीसी में, 600 सीसी में और इतना कम रेट है इस बाइक का, और इसमें आपको इनलाइन फोर से मिलता है, तो आवाज़ इसकी अलग ही है, इसलिए इसकी बिल्कुल हायाबुसा जैसी आवाज़ लगती है मेरे को। तो बाकी इसमें अगर बात करें हम 300 सीसी बेनेली की, तो उसमें भी साउंड अलग ही है, क्योंकि 300 सीसी बाइक में भी किसी को इनलाइन टू सिलेंडर नहीं मिलने वाले हैं। इतना कम बजट में दोस्तों इनलाइन टू बाइक आपको नहीं मिलने वाली है। और इसके अगर कोई सी बाइक है इनलाइन टू 300 सीसी में, तो उसके साउंड इसके जैसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये बात आप सबको पता ही होगी। तो इसलिए इन दोनों बाइकों के साउंड मेरे को अलग ही लगते हैं, और सबसे बढ़िया बाइकें लगती है कम बजट में सबसे अच्छे साउंडों के साथ इनलाइन फोर 600 में। तो दोस्तों बाकी मैं और भी बाइकें दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल हैं देख लो आप। यहाँ पर देख सकते हो 310 अपाचे RR और RC खड़ी है यहाँ पर, KTM RC 200 CC में, क्लासिक R15, ड्यूक, पल्सर RS भी है यहाँ पर 200 RS। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपाचे भी मिल जाएगी, FZS भी मिल जाएगी, और भी बुलेट हैं यहाँ पर अवेलेबल। और यहाँ पर देख सकते हो एक रेड एंड ब्लैक R15 वर्जन 3 भी खड़ी हुई है, और ये KTM RC 390 खड़ी है, वो 200 खड़ी है, और ये ड्यूक खड़ी है, दोनों 200 सीसी में। और दोस्तों ये देखो R15 खड़ी है यहाँ पर, और ये भी R15 है, ये पुराना वाला मॉडल है। और दोस्तों यहाँ पर स्कूटी भी अवेलेबल हो जाएंगी आपको, एंटोर्क और ये सब। दोस्तों इतनी बाइकें यहाँ पर होती हैं हमेशा, और यहाँ पर आपको 100 सीसी से लेकर इस सुपर बाइक तक सारी बाइकें अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसलिए मेरे को ये दुकान सबसे अच्छी लगती है। और ये आपकी पड़ती है दुर्गापुरी रोड पर, तो नंबर नीचे आ गया होगा और एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं ये जो इन सबके, बाकी मैंने प्राइस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, और किसी ने नहीं देखी होगी तो ऊपर चैनल का लिंक आ गया होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो ये है रियान भैया, और आप ही की शॉप है, वो पिछली वीडियो में मैंने बता ही रखा है। तो भैया से पूछ लेते हैं फाइनेंस कितने में, मतलब डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ती है, और क्या क्या अवेलेबल, क्या क्या मतलब किस किस तरीके से। भैया आपको अगर फाइनेंस करानी है तो 30% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी आपको, 30 अगर आपका सिविल और सही है तो डाउन पेमेंट और भी कम हो जाएगी। बाकी उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होंगे, आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, पहचान पत्र देना होगा, बिजली का बिल देना होगा, बैंक की पासबुक देनी होगी। सिर्फ ये 5 चीज़ें देनी होंगी, आपको गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, हैंड टू हैंड ओवर कर देंगे। तो अगर किसी का सिविल स्कोर थोड़ा ख़राब हो तो उसको भी हो जाएगी फाइनेंस? सिविल स्कोर से मतलब ये होता है, मतलब अगर सिविल बनने का कुछ पेमेंट बाकी है, सपोज करो किसी की एक किस्त बाकी है या कुछ किस्त बाकी है, कुछ पेमेंट बाकी है, तो उसको क्लियर करना होगा, उसको पे कराना होगा, उसके बाद भी गाड़ी की दे देंगे। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा अगर किसी का सिविल स्कोर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम पहले अपने क्लियर करवानी होता है। कभी कभी किसी के 1000 रुपये रह गए हैं या कुछ पैसे रह गए हैं, उसको पे कराने के बाद उसकी गाड़ी भी फाइनेंस होती है। तो पहले उसको अपना पिछला जो वो है पेमेंट वो पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको भी फाइनेंस हो जाएगा, और पेटीएम सब हो जाता है। हाँ, आपको कार्ड स्वैप कराना हो, फ़ोनपे करना हो, पेटीएम करना हो, गूगल पे करना हो, या आपको जैसे भी सुविधा, हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है, और कैश तो होता ही है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया आज फाइनेंस के बारे में, और किस तरीके से फाइनेंस हो जाएगा। जिसका सिविल स्कोर भी ख़राब है उसका भी एक बार अगर यहाँ पर आओगे, बातचीत करोगे, तो भैया आए हो सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको फाइनेंस करके कोई सी भी गाड़ी दे देंगे, जौन सी आप हाथ रख दोगे वो गाड़ी बाइक आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी अगर किसी को कोई सी भी बाइक चाहिए तो वो यहाँ पर आराम से आ सकता है, कैश भी दे सकता है, किसी भी तरीके से यहाँ पर पेमेंट तरीके से पेमेंट अवेलेबल है यहाँ पर। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।